इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे पॉपुलर फ्रंट के लीडरान गेस्ट और मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं सबसे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग पॉपुलर फ्रंट के एक परेड को देखने के लिए आए, क्योंकि आज इंडिया में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ी एक हिम्मत की बात है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ वही लोग जुड़ते हैं जिनके पास हिम्मत होता है। बुजदिलों की जमात को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज जो भी लोग यहां पर आए हैं, ऐसा मत समझिए कि आप लोग सिर्फ एक छोटे से एक शहर के अंदर एक प्रोग्राम के लिए आए, नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे ये जो दो ड्रामेबाज हैं, वो दो ड्रामेबाजों को आप एक मैसेज दे रहे हैं, वो दो ड्रामेबाजों को ये मैसेज दे रहे हैं कि जो चाहे कोशिश कर लो, जो चाहे आजमाना है आजमा लो, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक जमाना था हमें पूरे इंडिया में जाकर पॉपुलर फ्रंट की तारुफ करनी पड़ती थी, इंट्रोडक्शन देना पड़ता था। हमेशा हम जाते थे, लोग पूछते थे क्या है पॉपुलर फ्रंट, कौन है पॉपुलर फ्रंट, कहां से है पॉपुलर फ्रंट। हमारे पास ना तो इतने पैसे थे, ना तो इतने मींस थे कि गली गली जाकर लोगों से कहते पॉपुलर फ्रंट क्या है। हम लोग हर जगह मीडिया से रिक्वेस्ट करते थे हमारा प्रेस रिलीज पब्लिश करो, हम मीडिया वाले से कहते थे हमारा फोटो पब्लिश करो, हम मीडिया वाले से कहते हैं आओ हमारा प्रोग्राम कवरेज करो। लेकिन एक जमाना था जब कोई नहीं आता था, लेकिन आज पूरे इंडिया के गांव गांव में बच्चे बच्चे को पता है पॉपुलर फ्रंट क्या है। और आज यहां पर भी बहुत सारे लोग आए हैं, वही गोदी मीडिया के लोग, अलग अलग लोग आए यहां पर, वो कोई पॉपुलर फ्रंट की पॉजिटिव पब्लिसिटी के लिए नहीं आए। आज पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में वो कुछ ऐसे बात चुनने के लिए आए जिसको लेकर कल हेडलाइंस होगा। और उनसे मैं वादा करता हूं, इंशाल्लाह आज मेरे स्पीच में आपको जरूर ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिससे ना सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि वो दिल्ली में बैठे हुए दो ड्रामेबाज और वो दो ड्रामेबाज का मास्टर जो नागपुर में बैठे हैं उनके कुर्सियां भी हिल जाने हैं। आज इंडिया में हम जो रह रहे हैं एक हिंदुत्व मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत इंडिया के अंदर हुकूमत कर रही है जो हुकूमत कोई हक को नहीं मानती, किसी के हक को नहीं मानती। आप चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, अगर आप इस गवर्नमेंट की मुखालिफत करते हैं, अगर आप इस गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, तो ये गवर्नमेंट अपनी सारी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेगी आपको बर्बाद करने के लिए। ऐसी एक गवर्नमेंट को आज हम इंडिया में देख रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो ट्रंप की हुकूमत थी या यूरोप के अंदर जो अलग अलग राइट विंग गवर्नमेंट है, ये सारे लोग इस हिंदुत्व मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के सामने कुछ नहीं। ऐसी एक गवर्नमेंट जो आज इंडिया के हर एक शख्स को टारगेट कर रही है, जब दलित महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव के नाम पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पूरे के पूरे दलित ट्राइबल और लेफ्टिस्ट लीडर्स को जेलों में डाला गया ये बताने के लिए कि आप दलित, आप ट्राइबल, आप आरएसएस के सामने बात नहीं करना है। जब सीए प्रोटेस्ट हुआ, जब पूरे इंडिया के स्टूडेंट सीए के रास्ते में उतर गए, सीए का प्रोटेस्ट किया, हम देखते हैं दिल्ली राइट्स को लेकर पूरे के पूरे सीए एक्टिविस्ट को टारगेट किया ये बताने के लिए कि आप हमारे सामने नहीं आना है। और आज जब फार्मर्स प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली के जैसा एक ड्रामा कर फार्मर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, फार्मर के लीडर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है। मैसेज एकदम क्लियर है, मैसेज एकदम क्लियर है, अगर इंडिया में जीना है तो इस गवर्नमेंट का गुलाम बन के रहना होगा। मैसेज एकदम क्लियर है, ये गवर्नमेंट अभी कोई भी सबका साथ सबका विकास वो पूरा चला गया है, वो सब चला गया। अब एक सिंगल एजेंडा ये गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है, और जो जो लोग आज मेरी ये बात सुन रहे हैं उन सबको ये गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट एक सिंगल एजेंडा दे रही है। वो सिंगल एजेंडा ये है, क्या आप आरएसएस से डरते हो या नहीं? अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा, आपको रंजन गोगोई के जैसा पार्लियामेंट में सीट मिलेगा, आपको अलग अलग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कांग्रेस से लेके जाकर बीजेपी में भाग रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको मिनिस्टर सीट मिलेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी का साथ नहीं दोगे, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। मैं अभी आपसे पूछता हूँ, यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछता हूँ, जब ये आरएसएस के लोग आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है कि क्या आप सरेंडर करेंगे, तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे, सरेंडर करेंगे। देखिए एक बात वो भूल चुकी है, इंडिया में आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज भी आता है, बैकवर्ड है, सचर कमेटी में ऐसा लिखा है, एजुकेशन नहीं है, सब है। लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक कैपेसिटी भी है, याद रखिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक कैपेसिटी भी है, जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को आज लीड लेना होगा, ये आरएसएस को जवाब देने के लिए। जब ये आरएसएस इंडियन फैब्रिक को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इंडियन मुस्लिम्स को लीड लेना पड़ेगा, और आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो लीड ले रहा है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं हर दिन पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर सीए प्रोटेस्ट हुए, टारगेट पॉपुलर फ्रंट को बनाया गया। दिल्ली में दंगे कर मुसलमानों की जान ली गई, लेकिन केस पॉपुलर फ्रंट पर डाला गया, ईडी पॉपुलर फ्रंट के पीछे आई। अभी हम देखते हैं हाल ही में कल यूपी के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो मेंबर्स को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो मेंबर्स आपके जैसे ही दो कैडेट्स, ये दो कैडर्स को कल यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया, 11 तारीख को अरेस्ट किया, 16 तारीख तक उन्हें मीडिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया, और कल जब हमने केरला में पुलिस फाइल कंप्लेंट फाइल किया, तब शाम को लेके आकर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि ये लोग ब्लास्ट करने आए थे, ये लोग टेररिस्ट अटैक करने आए थे, ये लोग एक्सप्लोजिव लेके घूम रहे थे। यानी 11 तारीख को अरेस्ट करने के बाद 16 तारीख आपको पता चला कि ये लोग टेरर अटैक करने आए थे। इसका मतलब क्या है? याद रखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हर दिन टारगेट किया जाएगा। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक आदमी से कहता हूँ, अगर कोई सोच रहा है कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट बंद हो जाएगा, गलत फहमी है। एवरी डे हर दिन पॉपुलर फ्रंट पर एक नया इल्जाम लगाया जाएगा, पॉपुलर फ्रंट को नया टारगेट किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स से भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, रेडी हो जाओ, यूएपीए आने वाला है, ईडी केसेस आप पर पड़ने वाले हैं, एनआईए आपके पीछे आने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप पर लगाने वाले हैं, सेडिशन केस आप पर लगाने वाले हैं, ये सारे चीज आने वाले हैं। इस सब के लिए रेडी रहने का एक वक्त आ गया है, ये सब चीज आएगा। और उम्मीद मत कीजिए, उम्मीद मत कीजिए कि ये जो दिल्ली के अंदर बैठे जो आरएसएस के दो प्रचारक हैं, ये प्रचारक कुछ रहम दिखाएंगे। ये ऐसे प्रचारक हैं जो बचपन से आरएसएस के शाखा में बैठकर मनुवाद सीखे हुए लोग हैं, वो मनुवाद जो कहता है कि पूरा का पूरा हुकूमत एक छोटे गुरु के हाथ में रहना है। यहाँ पर मुस्लिम उनके दुश्मन है, यहाँ पर क्रिश्चियन उनके दुश्मन है, यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके दुश्मन है। ऐसे एक आइडियोलॉजी का ट्रेंड हुए दो लोग आज
आज इंडिया को चला रहे हैं, इनसे कोई भी उम्मीद मत रखिए। सिर्फ एक ही उम्मीद रखिए, वो उम्मीद ये है कि हर दिन आपको टारगेट किया जाएगा। मैंने सुना मंगलोर के अंदर एसडीपीआई के एक्टिविस्ट एसडीपीआई जिंदाबाद बोल रहे थे और यहाँ पर केस डाला गया उन पर ये कहकर कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे। देखिए इसमें आप अरेस्ट हुए हैं, हमारे जो मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं, आप उसमें शर्म मत कीजिए। शर्म यहाँ की पुलिस को करना है, शर्म दक्षिण कन्नड़ की पुलिस को करना है। आप शर्म मत कीजिए, मैं कहता हूं जो लोग अरेस्ट हुए उनको सेलिब्रेट कीजिए, हीरो बनाइए उन्हें। वो तीन लोग जो अरेस्ट हुए हैं दक्षिण कन्नड़ में, वो आपके हीरो हैं। और यहाँ पर शर्म किसको होना है, यहाँ पर दक्षिण कन्नड़ की पुलिस को होना है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को छोड़कर बीजेपी का गुलाम बन रही है। उन्हें शर्म आना चाहिए, हमें नहीं। हमारे हीरो है वो जेल के अंदर है, अंसद भी फिरोज जो आज यूपी के जेल में, हमारे हीरो हैं वो। और मैं इस स्टेज से आज कहता हूं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास जो कुछ है, पॉपुलर फ्रंट के पास जो कुछ है, सब कुछ लगा देंगे उनके इंसाफ के लिए इंशाल्लाह। जो कुछ है सब लगा देंगे। ये तंजीम बनाए हम लोग ऐसे कैडर्स की वजह से, ये तंजीम में कोई लीडर्स नहीं है। कौन से बड़े बड़े खानदानी लीडर्स को उठाकर ये तंजीम नहीं बनाए, ये तंजीम ये कैडर्स ने बनाया। और ये तंजीम में जो कुछ है इन कैडर्स के लिए है, और जो कुछ भी लगेगा इंशाल्लाह इनके इंसाफ के लिए हम लोग लगाएंगे। चंद लोग सवाल करते हैं पॉपुलर फ्रंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट को। सिंपल आंसर है, आज इंडिया के अंदर जब पूरी की पूरी एक सोसाइटी और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को स्लेव बनाने की कोशिश किया जा रहा है, गुलाम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसे वक्त में इस कम्युनिटी को होप देने वाली तंजीम पॉपुलर फ्रंट है। जब सब लोग कहते थे आप कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, जब इस कम्युनिटी के अंदर डर पैदा करने की कोशिश किया जा रहा था कि आपका सिटीजनशिप निकाला जाएगा, उस वक्त इस कम्युनिटी को कहने वाली एक तंजीम है कि बॉयकॉट एनआरसी, बॉयकॉट सीए, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। हमारे मुल्क है वो, आप कौन होते हो हमसे डॉक्यूमेंट पूछने वाले। ये होप देने वाली एक तंजीम है, दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली एक तंजीम है। जहां जहां और ये कारवां रुकने वाला नहीं, आपको जो रोकना है रोक लो, जो कोशिश करना है कर लो, जो उठाना है उठा लो, क्या करना है कर लो, जो भी ट्राई करना है कर लो, ये रुकने वाला नहीं। हम उम्मीद दे रहे हैं लोगों को, जिनके पास आवाज नहीं उनकी आवाज है। आज मैं ये स्टेज में रुक के जो बात कर रहा हूं, क्या ये मेरे अल्फाज हैं? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आपके अल्फाज हैं, हैं क्या नहीं? ये आपके अल्फाज हैं। इंडिया में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान और कहीं सारे ऑप्रेस सेक्शन, इन सब की आवाज आज पॉपुलर फ्रंट बना है। और ये लोग चाहते हैं कि ये ऑप्रेस सेक्शन और मुसलमानों का आवाज को कंप्लीटली साइलेंट किया जाए, इसलिए पॉपुलर फ्रंट को टारगेट किया जा रहा है। तीसरा चीज, पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये लोग बहुत खुश होते हैं, ये लोग बहुत खुश होते अगर पॉपुलर फ्रंट कॉम्प्रोमाइज कर लेता। हमें भी चंद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर आकर कहते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हम लोग कहते हैं ये कॉम्प्रोमाइज जो अल्फाज है ये हमको हमारे तंजीम ने सिखाया नहीं, हमारे तंजीम ने हमने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज हमारे तंजीम ने हमें नहीं सिखाया। हमारे आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने जब जुल्म होता है, हमारे आंखों के सामने जब इनजस्टिस होता है, वो टाइप कॉम्प्रोमाइज करना पॉपुलर फ्रंट के डीएनए में नहीं है। जो आदमी वो जुल्म कर रहा है उसके हाथ को पकड़ना, उसके हाथ को पकड़ना और फेंकना, ये पॉपुलर फ्रंट के डीएनए के अंदर है। चाहे पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर हो या पॉपुलर फ्रंट के हजार मेंबर हो, अगर हमारे सामने इनजस्टिस हुआ हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। इनजस्टिस किस पर भी हो, किस पर भी हो। पॉपुलर फ्रंट से इनको बहुत बड़ी एक नाराजगी यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये बता रहा है कि
इंडिया का असल दुश्मन कौन है? आज मैं आपके सामने बताता हूं इंडिया का असल दुश्मन कौन है। इंडिया का असल दुश्मन बिना किसी डाउट के आरएसएस है। बिना किसी डाउट के इंडिया में अगर कोई कैंसर है, कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा, जरूर वो वैक्सीन हम लोग लेके आएंगे, हर जगह देंगे हम आरएसएस को वैक्सीन, क्योंकि हमें पता है आरएसएस कौन है। हम जानते हैं इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर कर देता हूं, हिंदू मुस्लिम नाम का प्रॉब्लम है ही नहीं इंडिया के अंदर। ये जो मीडिया में आपको बताया जाता है हिंदू मुस्लिम, जब भी आपके सामने कोई कहे हिंदू मुस्लिम, आप कह दो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आरएसएस वर्सेस मुस्लिम, इधर आरएसएस वर्सेस मुस्लिम। और इसलिए मैं आज स्टेज से पूरे इंडिया के आवाम से कहता हूँ, आरएसएस को पहचानिए, जानिए आपके डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस लीडर कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का भौतिक प्रमुख कौन है, जानिए अपने डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का शारीरिक प्रमुख कौन है, जानिए उनको, पहचानिए उनको कौन है, क्योंकि ये लोग आपके असल दुश्मन हैं। जो आपके साथ रहने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो लोग हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दुश्मन आरएसएस है। तो आरएसएस को पहचानिए। इंडिया में रहने वाले हर एक दलित, हर एक ट्राइबल, हर एक मुसलमान, हर एक बैकवर्ड की एक जिम्मेदारी है, उसको आरएसएस को पहचानना है। और मैं आपसे चैलेंज में कहता हूँ, मैं आपसे चैलेंज में कहता हूँ कि जिस दिन आप आरएसएस को पहचानना शुरू करेंगे, ये जब भागेंगे इस तरीके से भागेंगे कि इन्हें याद भी नहीं रहेगा कि इनका यूनिफॉर्म चड्डी से पैंट हो गया है, इन्हें याद भी नहीं रहेगा, ऐसे भागेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आरएसएस को पहचानिए, जानिए आरएसएस कौन है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन है, आपके मंडल में कौन है, बस जानिए, पहचान के रखिए बस। अरे जानिए कि कोई भी हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। हम 60 सालों से, हजारों साल से हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर साथ रहे, इंडिया में कोई हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आरएसएस का प्रॉब्लम है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरएसएस को एक्सपोज कर रहा है। हम बता रहे हैं कि कितने बड़े बुजदिल हैं ये, जो बड़े बड़े लिंचिंग के वक्त आते हैं ना, 25 लोग 30 लोग मिलकर एक बेकसूर आदमी को जब मारने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे वाक्य ऐसे हुए जो मीडिया के अंदर नहीं आया। जब यही दो मजलूम लोग रुक कर हिम्मत के साथ इस 30-40 ये भगोड़े आरएसएस वालों का सामना करते हैं, ये लोग भाग जाते हैं। इतनी बुजदिल कौम ये आरएसएस है, ये आरएसएस की बुजदिली को हमें एक्सपोज करना है। वी हैव टू एक्सपोर्ट द कावर्डनेस। दूसरा चीज, हम लोगों से कहते हैं कि आरएसएस को कन्फ्रंट करने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है आरएसएस की मुखालिफत करो, अपोज करो, कन्फ्रंट करो। आरएसएस को पॉलिश मार के कोई काम होने वाला नहीं। चंद हमारे मुस्लिम लीडर्स भी, थोड़े सेक्युलर लीडर्स भी आकर कहते हैं थोड़ा पॉलिश मारेंगे, थोड़ा अपीजमेंट करेंगे, थोड़ा आरएसएस के साथ अच्छा ताल्लुकात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये बेवकूफों को इतना भी नहीं मालूम, यही बेवकूफ कह रहे थे बाबरी मस्जिद दे दो, बाबरी मस्जिद दे दो, सब ठीक हो जाएगा। ये वही बेवकूफ थे जो अपने आप को मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे, ये वही बेवकूफ थे जो कह रहे थे बाबरी मस्जिद दे दो सब ठीक हो जाएगा। अब तो बाबरी मस्जिद का जमीन चला गया है, क्या इंडिया में शांति आ गई? क्या इंडिया के अंदर सुकून आ गया? बाबरी मस्जिद दे दी है गवर्नमेंट के तरफ से, ट्रस्ट बना दिया मंदिर बनाने के लिए, लेकिन आज मंदिर के कलेक्शन के नाम पर गली गली में दंगे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, यूपी में दंगे हो रहे हैं। अगर इनको मंदिर के लिए जगह मिल गई तो दंगे क्यों हो रहे हैं इंडिया के अंदर? क्यों मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं? मंदिर मस्जिद की जमीन तो मिल गई ना, कहाँ है वो बेवकूफ लोग जो आकर कह रहे थे कि जगह दे दो सब ठीक हो जाएगा। अब जगह मिल गया, फिर क्यों इंडिया में मुसलमानों पर अटैक हो रहा है? क्यों मुसलमान मर रहे हैं? क्यों जाने जा रहे हैं? क्यों मस्जिदों पर अटैक हो रहा है? क्यों घरों को जलाया जा रहा है? क्यों हमारे दुकानों को जलाया जा रहा है? क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन्हें कभी भी मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, इन्हें कभी भी कोई मंदिर से लेना देना नहीं था, इनका कोई भी हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आरएसएस और हिंदू धर्म का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है,
आरएसएस इंडिया का सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। पूरे दुनिया में हिंदू कम्युनिटी का नाम आरएसएस ने खराब किया है, हमने खराब नहीं किया। आज अमेरिका के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, हमने बताया कि उन्हें ये आरएसएस के कारनामों की वजह से हुआ। तो आरएसएस के सामने अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर आरएसएस के सामने झुककर पॉलिश मारकर कुछ नहीं होता। आरएसएस के सामने एक ही सलूशन है, वो सलूशन क्या है? आंखों में आंख डालकर बात करो। और आज मैं इस स्टेज से आप सब लोगों को कह रहा हूं, ये जो राम मंदिर के कलेक्शन के लिए आ रहे हैं आपके घरों में, आपके सामने एक ही बात बताता हूं, जिस तरीके से एनआरसी को बॉयकॉट किया था, अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए, एक पैसा भी मत दीजिए। मैं सारे मुस्लिम बिजनेसमैन से कहता हूँ, मैं सारे मुस्लिम दुकान के ओनर से कहता हूँ, अगर इतनी बड़ी गैरत है, अगर एक तिलके के बराबर हिम्मत है, अगर घर में जाकर अपने बीवी बच्चों को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है, तब ये जब आरएसएस के लोग आपके दुकानों में आते हैं पैसा पूछने के लिए, एक रुपया भी मत दीजिए, ये एक पैसा भी मत दीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये राम का मंदिर नहीं है, ये राम का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का मंदिर है। और मुसलमानों के पैसे से आरएसएस के मंदिर में एक ईंट भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये अजम हमें करना है, एक रुपया भी हमें नहीं देना है। पॉपुलर फ्रंट से लोग चाहते हैं कि हम बैंड हो, हमारे पीछे ईडी को भेज दिए। वो ईडी जिस ईडी ने पी चिदंबरम को 14 दिन ऑफिस में सुलाया था, वो ईडी जिस ईडी ने डीके शिवकुमार को जेल में डाल दिया था, वो ईडी जिसके नाम से रॉबर्ट वाड्रा कांपता है, वो ईडी जिसके नाम से बड़े बड़े कांग्रेस के पॉलिटिशियन डर के बीजेपी में जम मारते हैं, उस ईडी को हमारे पीछे छोड़ा गया था। ईडी आई हमारे पीछे, रेड भी हुआ, मेरे घर में भी रेड हुआ, लेकिन रेड के बाद हमने ईडी को भी समझाया, भाई पॉपुलर फ्रंट के घर में और ऑफिस में रेड मारना मतलब कोई पॉलिटिशियन के घर में रेड मारना जैसा नहीं है। पूरे इंडिया में हमने ईडी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, हमने बता दिया ईडी क्या है, ईडी इज नथिंग बट अ सुपारी किलर ऑफ आरएसएस, आरएसएस के सुपारी में काम करने वाला एक एजेंसी है। जिस तरीके से एनआईए को हमने निकाह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया था, निकाह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दिया था, आज पूरे इंडिया के अंदर सबको हमने बता दिया कि ईडी से डरने की जरूरत नहीं, ईडी को कन्फ्रंट करो, लीगली डेमोक्रेटिक कन्फ्रंट करें। और ऐसी हिम्मत हमारे मेंबरों के अंदर थी कि बिहार का एक छोटा सा गांव, बिहार का एक छोटा सा गांव जहां पर हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी एक गरीब भाई, हमारा एक गरीब भाई, कोई बड़ा करोड़पति पॉलिटिशियन नहीं है, गरीब भाई के घर में जब ईडी के लोग रेड किए, उस बिहार के दरभंगा के छोटे से गांव के लोगों के अंदर भी पॉपुलर फ्रंट ने हिम्मत दी कि ईडी को हमने वहां से जाने नहीं दिया जब तक ईडी ने लिख कर नहीं दिया कि उन्होंने क्या सीज किया है। ये हमने सिखाया इंडिया को, एनआईए को भेज रहे हैं। अब थोड़े दिन पहले इनकम टैक्स हमारे पर नोटिस आया, आपको पता है पॉपुलर फ्रंट पर इनकम टैक्स नोटिस क्यों आया? पॉपुलर फ्रंट पर इनकम टैक्स नोटिस इसलिए आया क्योंकि हमने हादिया को हेल्प किया। हमको इनकम टैक्स का डायरेक्टर कहता है, आपने हादिया को कैसे हेल्प किया? हादिया तो कन्वर्शन हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, एक इंसान के पर्सनल हुकूक की एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के राय को भी ये इनकम टैक्स डायरेक्टर बीजेपी की बात सुनकर रिजेक्ट कर हमसे कह रहा है कि आपने हादिया को हेल्प क्यों किया? वो हमसे कह रहा है कि आपके डोनर्स ने इनकम टैक्स नहीं भरा, वो हमसे कह रहा है कि आपके डोनर्स के पास पैन कार्ड नहीं है। हमने भी जवाब दिया कि भाई नरेंद्र मोदी 2014 से पैन कार्ड बनाओ बोल रहा है, नरेंद्र मोदी हर दिन डिजिटल इकोनॉमी की बात कह रहा है, निर्मला सीतारामन आकर इनकम टैक्स भरो बोल रहे हैं, जब इतना पूरा गवर्नमेंट की एजेंसी को इस्तेमाल करके इंडिया में सिर्फ 4% लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो पॉपुलर फ्रंट के ऊपर जिम्मेदारी कैसे आई कि लोगों का इनकम टैक्स भराने के लिए? जब गवर्नमेंट ही नाकाम है लोगों को इनकम टैक्स फाइल कराने के लिए, वो इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है। हमने भी कहा हम जवाब देंगे, हम कोर्ट में आपसे लड़ेंगे। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं
ईडी आपके पीछे आ गया, एनआईए आपके पीछे आ गया, सी इनकम टैक्स आ गया, अभी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ आपके पीछे आया, आपको डर क्यों नहीं लगता? आपको डर क्यों नहीं लगता? हमारा जवाब सिंपल है, पॉपुलर फ्रंट का हर एक लीडर, पॉपुलर फ्रंट का हर एक मेंबर हर दिन जब सुबह को उठता है, हम ये सोच के उठते हैं कि आज मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, आज मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। जब हम ये सोच के उठते हैं, आप कौन सा बड़ा प्रॉब्लम लाए तो ये प्रॉब्लम हमें बड़ा नहीं दिखता। आप हमें ईडी से डराना चाहते हैं, आप हमें यूएपीए केस से डराना चाहते हैं, आप हमें सेडिशन केस से डराना चाहते हैं, आप हमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से डराना चाहते हैं। मैं बीजेपी गवर्नमेंट को एक एडवाइस देता हूं, हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही किए ये जानकर कि हम पर यूएपीए पड़ने वाला है। हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में आए ये जानकर कि हम पर सेडिशन होने वाला है। हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन पे आए, हमें 100% मालूम था हमारे ऊपर ईडी एनआईए आए। तो भाई जो चीज हमें पहले से ही पता है उस चीज को लेकर आप हमें डरा नहीं सकते। कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो। आपने अपने चट्टीधारी लोगों से लाठी से ट्राई किया, उससे नहीं डरे। लाठी के बाद आपने पुलिस से ट्राई किया, उससे नहीं डरे। उसके बाद एनआईए को नहीं लाए, उससे नहीं डरे। ईडी आ गया, उससे नहीं डरे। मैं आपसे कहता हूं थोड़ा क्रिएटिव बनो, थोड़ा क्रिएटिव बनो। ये चीज जिन चीज से आप हमें डराना चाहते हो ना, हम इस चीज की तलब रखते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ ये हो। पॉपुलर फ्रंट के काम का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पॉपुलर फ्रंट का काम का एक ही सर्टिफिकेट है। जब तक आरएसएस और बीजेपी हमारी मुखालिफत करते रहेगा, तब तक हमें सर्टिफिकेट है हम अच्छा काम कर रहे हैं। जिस दिन बीजेपी आरएसएस हमारी तारीफ करेगा, उस दिन हमें लगा कि हम बुरा काम करेंगे। तो इन चीजों से हम नहीं डरते। अब मैं लोगों से एक बात कह के मेरी बात कहता हूं, आवाम से एक मैं बात कहता हूं, पॉपुलर फ्रंट कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है, कभी भी पीछे हटने वाला नहीं। ये कितने भी हम पर जुल्म आए, अगर कोई एक्सपेक्ट करता है हम लोग पीछे हटे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री में जब हम लोग छोटे छोटे मदरसे में होते हैं, हमें एक स्टोरी सिखाया जाता है। इंडिया के सारे और दुनिया के सारे मुसलमानों को एक स्टोरी सिखाया जाता है। हमारे मदरसों में, हमारे घर में एक छोटा स्टोरी सुनाया जाता है। वो स्टोरी ये है कि बिलाल हबशी नाम के एक बहुत बड़े सहाबा थे, उनको जब टॉर्चर हो रहा था और उनको टॉर्चर में ये कहा जा रहा था कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो, बिलाल को इस तरीके से टॉर्चर किया था कि आज तक किसी ने वैसा टॉर्चर नहीं देखा। वैसा टॉर्चर करने के वक्त जब बिलाल को सरेंडर करने के लिए कहा गया, उमैया ने कहा, बिलाल अगर तू सरेंडर नहीं करेगा तो मैं तुझे ऐसा टॉर्चर दूंगा, ऐसा टॉर्चर दूंगा जो टॉर्चर आज तक अरबों ने सोचा नहीं था, आज तक अरबों ने देखा नहीं था और आज तक अरबों ने सुना नहीं था। तब बिलाल का जवाब था, उमैया तू जो टॉर्चर करना है कर, मैं भी तुझे ऐसा सबर और ऐसा इस्तकामत दिखाऊंगा जो इस्तकामत आज तक अरबों ने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा और सोचा नहीं होगा। हम लोग ये बिलाल के वाकिया सुनकर बड़े हुए लोग हैं। आप हमें ईडी से डराओगे, आप हमें एनआईए से डराओगे, आप हमें यूएपीए से डराओगे, ये सब चलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं पॉपुलर फ्रंट की हिम्मत तोड़ने के लिए, अगर आप चाहते हैं पॉपुलर फ्रंट पर केसेस डालकर डराने के लिए, तो मैं आज पॉपुलर फ्रंट की तरफ से आपको कहता हूं कि हम भी पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर ऐसा आपको स्ट्रगल दिखाएंगे जो स्ट्रगल आज तक आरएसएस ने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा और कभी सोचा नहीं होगा। पॉपुलर फ्रंट की यह लड़ाई अकेली लड़ाई नहीं है, ये पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी की लड़ाई है। इसमें मैं आज इंडिया के सारे आवाम से कहता हूं कि देखिए, पॉपुलर फ्रंट को हर साल आप लोग रमजान में फंड देते हैं। हमसे एनआईए ईडी पूछता भी है, पैसा कहां से आता है, 100 करोड़ कहां से आए, 100 करोड़ कहां से आए। भाई क्या 100 करोड़,
पॉपुलर फ्रंट पूरे इंडिया में अगर एक दिन रस्ते में उतरे, 100 नहीं 500 करोड़ हम लोग कलेक्ट करने की कैपेसिटी है हमारे अंदर। 100 करोड़ क्या है आपके लिए? वो बिरयानी लग्जरी होगा। हम तो हर दिन बिरयानी खाते हैं हमारे घरों के अंदर। ये वही लोग जो न्यूज चैनल के अंदर बैठ के कह रहे थे शाहीन बाग में बिरयानी कहाँ मिली, बिरयानी कहाँ मिली। तुम्हारे वास्ते बिरयानी साल में एक बार मिलता है शायद, हमारे लिए हर बार नहीं, हर जुमा बनती है घरों में। आप लोग हमसे बोलो कि 100 करोड़ कहां से आया, कौन सी बड़ी चीज है? 20 करोड़ इंडियन मुसलमान है, 20 करोड़, और कितने सारे क्रिश्चियंस, कितने सारे दलित, कितने सारे सिख, हर कोई देता है पॉपुलर फ्रंट को। एक दिन में 100 करोड़ हम लोग जमा सकते हैं। लेकिन मैं आज लोगों से कहता हूं कि आपका सपोर्ट सिर्फ फंडिंग तक काफी नहीं है। चंद लोग सिर्फ फंडिंग करते हैं, सिर्फ फंडिंग कर काफी नहीं है। आज के बाद आपका सपोर्ट फंडिंग से एक स्टेप आगे भी चाहिए। जो जो काम, जो जो कैंपेन्स पॉपुलर फ्रंट करता है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सारे कैंपेन्स में, हमारी सारी लड़ाई में हमारा साथ दें। ये होगा आपकी जिम्मेदारी। अभी वो दिन गया कि आप लोग अपने घर के अंदर एसी डालकर ये सोचें कि ये पॉपुलर फ्रंट और आरएसएस वाले अपना काम कर लेंगे। नहीं, ये पॉपुलर फ्रंट आरएसएस का प्रॉब्लम नहीं है। हर वो शख्स जो आरएसएस के साथ नहीं है वो टारगेट होने वाला है। 21 इयर्स की एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जिसके माँ बाप मोदी के सपोर्टर थे, उस एनवायरमेंट एक्टिविस्ट दिशा को भी इन्होंने नहीं छोड़े। 80 साल के बुजुर्ग जो सिख हमारे फार्मर्स हैं, उन लोगों को भी ये लोग खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो ये छोड़ दीजिए कि सिर्फ पॉपुलर फ्रंट का प्रॉब्लम है, वो गया। पॉपुलर फ्रंट का प्रॉब्लम नहीं, हर वो शख्स जो आरएसएस के साथ नहीं वो आज प्रॉब्लम में है, वो टारगेट में है। तो ये लड़ाई सिर्फ पॉपुलर फ्रंट को साल में एक बार फंड दे के लड़ाई काफी नहीं, फंड भी देना है। जितना आप पिछले साल दिए थे इंशाल्लाह इस रमजान में आपके पास आएंगे, उससे ज्यादा फंडिंग हमें इंशाल्लाह आपके पास से चाहिए इस बार। लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलर फ्रंट के साथ रुकना भी है। जब पॉपुलर फ्रंट पर हमला होता है, जब पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के तरफ से आवाज आए, पूरी की पूरी कम्युनिटी की तरफ से आवाज आए, पूरी की पूरी कम्युनिटी इनको जवाब दे। और आज जो आप लोग यहां पर जमे हैं, आप लोग तो सिर्फ एक पर्सनल लेवल पर जमे हैं, लेकिन मैं इतना बता देता हूं, आज आपका यहां पर जमना और पूरे इंडिया में जो आज पॉपुलर फ्रंट डे में जो आवाम जमी है, इससे बड़ा थप्पड़ ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके पूरी गैंग को, इससे बड़ा थप्पड़ कहीं पर पड़कर नहीं। ये थप्पड़ आप लोग आज दे रहे हैं, जो आज आप लोग हमारे साथ खड़े हैं। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है। इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने की लड़ाई है। जो लड़ाई टीपू सुल्तान ने लड़ी थी, जो लड़ाई कुन्नी मोहम्मद हाजी ने लड़ी थी, वो लड़ाई को वापिस हमें लड़ना है। इस बार कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है। इसी नागपुर से एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी राइट्स को तबाह करने पर निकली है। तो अब घर पर बैठेंगे तो नहीं होगा। जिस तरीके से आप लोग सीए के वक्त रस्ते पर उतरे थे, अभी वापिस जब ये सीए आएंगे, वापिस आप लोगों को रस्ते पर उतरना होगा। वापिस आपको हक के लिए लड़ना होगा, सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए नहीं। जब भीमा कोरे गांव में दलितों को हमला किया, आपको दलितों के लिए हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब क्रिश्चियंस के चर्चों पर अटैक होगा, आपके क्रिश्चियंस के लिए लड़ना होगा। जब फार्मर्स और सिख लोगों पर वहां पर हमला हो रहा है, लाठी पड़ रहा है, उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ने की जिम्मेदारी इंडियन मुस्लिम सोसाइटी की है। और ये लड़ाई हमें लड़नी है। हमारा इस बार का नारा यही है, फॉर द नेशन विद पॉपुलर फ्रंट। तो पॉपुलर फ्रंट की तरफ से मैं इतना आप लोगों को बताता हूं, इंशाल्लाह जब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लास्ट मेंबर इंडिया में रहेगा, तब तक इंशाल्लाह हम लोग ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे भी ये गुजारिश करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिस तरीके से आज तक आप लोगों ने हमें साथ दिया, ये साथ और भी दीजिए। एक लंबी लड़ाई है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कंधे से कंधा रखकर, इंशाल्लाह इंडिया से ये फैसिज्म का जो एक डिजीज है, इस डिजीज को इंशाल्लाह हम खत्म करके रहेंगे। वाकिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।